दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन को रिमोट बनाना चाहते हैं, अपने फ़ोन को एज ए रिमोट यूज करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको, अगर आपका MI का फ़ोन हो तो फिर डोंट वरी, आपके सामने आपके फ़ोन में यह MI रिमोट नाम का एप्लीकेशन तो होगा ही। सिंपली आपको MI रिमोट को ओपन करना है, देन ओपन करने के बाद आपको एड रिमोट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको MI मतलब TV सेटअप बॉक्स, AC फैन, मतलब तरह तरह के यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे ऑप्शन। आप जिसका भी रिमोट यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पर TV का रिमोट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर TV पर जाना है। देन आपको TV का ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ब्रांड का आपका TV है, एग्जांपल सैमसंग का है, सैमसंग ने TV को सेलेक्ट कर लिए हैं, इट्स TV ऑन, तो ऑलरेडी ऑन है। इसके बाद आपको सामने पावर का बटन आ जाएगा, सिंपली इसको हम इस तरह से ऑफ करते जाएंगे। देन आपका जो यहाँ पर पेयर का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली पेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे पेयर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिमोट है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देन आप इन बटन के जरिए अपने TV को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपकी फ़ोन की जितनी बैटरी हो कितने घंटे तक सर्वाइव कर पाएगी, कितने घंटे तक चलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी 32% भी बैटरी बची हुई है। अगर मुझे जानना है कि 32% बैटरी हमको कितने घंटे तक यह सर्वाइवल दे सकती है, कितने घंटे तक यह चलने वाली है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप सेटिंग पर आ जाएंगे। सेटिंग पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बैटरी एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पावर यूजेज पावर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको पावर पर क्लिक कर देना है। जैसे हम पावर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको रिमेनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा, 13 घंटा 24 मिनट अभी हमारी 32% बैटरी चल पाएगी। लेकिन हालांकि यह 13 घंटे जो रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है, यह यूज टाइम नहीं दिखा रहा है, यानी कि अगर आप यूज करते हैं तो 13 घंटे नहीं चलेगी। अगर आप थोड़ा बहुत यूज करते हैं, छोटे मोटे एप्लीकेशन, छोटे मोटे टास्क करते हैं, तो फिर यह 13 घंटे तक बिल्कुल सर्वाइव कर पाएगी। तो अगर आपके फ़ोन में मैग्नीफाई गेस्चर ऑन है और कुछ इस तरह से आप 2-3 बार टैप करते हैं तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से बड़ी हो जाती है, फिर आपको समझ नहीं आता किस तरह से हम इसको छोड़ करें। हालांकि 3 बार टैप करने से है स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और 3 बार टैप करने से आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को ऑफ करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग में आना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग में आना है, एक्सेसिबिलिटी में आना है। एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक मैग्नीफिकेशन गेस्चर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इसको यहाँ पर ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद आप कितना भी टैप करते रहिए, कुछ भी यहाँ पर फर्क पड़ने वाला नहीं। अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह से इनेबल करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं, सिंपली आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको अबाउट फोन में चले जाना है। हो सकता है कि अबाउट फोन का ऑप्शन नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है। लेकिन आप कोई MIUI वर्जन या फिर MI का फ़ोन नहीं है तो आपको यहाँ पर वर्जन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको वर्जन पर 3-4 बार जल्दी जल्दी टैप कर देना है। लेकिन यहाँ पर URL डेवलपर, आपका डेवलपर का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, सबसे नीचे यहाँ पर चले जाना है, डेवलपर का ऑप्शन यहीं पर कहीं पर आ जाएगा, एडिशनल सेटिंग। देन यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे डेवलपर का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। डेवलपर ऑप्शन में जाकर यहाँ पर बहुत सारी एडवांस सेटिंग होती हैं, आप इस इन एडवांस सेटिंग को इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को और ज़्यादा फीचरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को अपना IP एड्रेस देखना नहीं पता होता है, किस तरह से हम अपना IP एड्रेस देख सकते हैं। अगर आपको भी नहीं पता है तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अभी अपना IP एड्रेस देखना चाहते हैं तो सिंपली आप सबसे पहले आपको अपना डेटा इनेबल कर लेना है। देन किसी भी आप ब्राउज़र पर चले जाएँगे, मैं क्रोम को इस्तेमाल करता हूँ, क्रोम पर चले जाता हूँ। देन यहाँ पर आपको सर्च कर देना है व्हाट्स माय IP। इतना करने के बाद हो सकता है आपका जो IP एड्रेस है यहाँ पर सामने शो जाए, लेकिन फिर भी शो नहीं होता है तो आपको फर्स्ट वेबसाइट पर यहाँ पर चले जाना है। देन हम फर्स्ट वेबसाइट को लोड कर लेते हैं। देन लोड करने के बाद हमारे सामने हमारा जो IP एड्रेस है यहाँ पर सिंपली शो हो जाएगा, और देन नीचे हमें यहाँ पर लोकेशन भी सेलेक्ट दिखा देगा कि हम किस लोकेशन से अभी फ़िलहाल कनेक्टेड हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपना IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। और